हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके एग्जाम प्रेप। आप सभी का जो है हमारे चैनल पे स्वागत है। आपके लिए जैसे कि मैंने कहा था, हम जो है वो डेली साइकोलॉजी की सीरीज लेकर आएंगे और वो मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ, आज है हमारी सीरीज फोर्थ। तो इसमें आज हम जो है वो अगेन टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियोज जो है वो पसंद आ रही है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताएं अगर आपको कोई भी उसमें क्वेरी है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमने जो है वो गलत डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ठीक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यहाँ पर पूछा गया है, कथन पूछा गया है कि ये किसका कथन है, यानी कि ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग जो है वो दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा का विज्ञान। इससे रिलेटेड हमने पहले बात की है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। यहाँ पर हमसे परिभाषा पूछा गया है कि ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग दी गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। तो ये आपकी दी गई है पील के अकॉर्डिंग। हमारे पास एक नाम आता है पील, उनके अनुसार जो है ये परिभाषा दी गई है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सीखना विज्ञान है, सिखाना कला है। अब जो लर्निंग और टीचिंग की बात की गई है यहाँ पर, कि जो सिखाना है, सीखना पहली बात जो हम लर्न कर रहे हैं वो विज्ञान है, यानी कि वो साइंस है, और जो आप टीचिंग करवा रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, वो क्या है? कला है, आर्ट है। तो ये आपने एक नाम सुना होगा B.F. स्किनर, उनकी डेफिनेशन आती है आपके पास ये वाली, ठीक है। तो B.F. स्किनर क्या कहते हैं कि सीखना जो है वो विज्ञान है और सिखाना जो है वो क्या है? कला है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मोटिवेशन यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। तो किस भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है? तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से हुई है। और कौन सा शब्द है वो? वो है मोटम शब्द, MOTUM, जिसका मीनिंग निकलता है टू मूव। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस को जो है वो एक साथ डिस्कस किया है। मोटिवेशन जो शब्द है वो मोटम से है, जो लैटिन भाषा का मोटम शब्द है उससे लिया गया है, और उसका मीनिंग क्या निकलता है? टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं? इस क्वेश्चन के साथ हमें ये भी पता चलता है कि इन्होंने कितने टाइप की हायरार्की के बारे में बताया था। तो 5 टाइप की हायरार्की के बारे में अब्राहम मैस्लो ने बताया है। यहाँ पर अभिप्रेरक पूछे गए हैं कि अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं, तो वो आते हैं हमारे पास 3 प्रकार के, सॉरी 2 प्रकार के, 3 नहीं, 2 प्रकार के अभिप्रेरक जो है वो अब्राहम मैस्लो ने बताए हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जो प्रेरक जन्मजात होते हैं उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं, और जो जन्म लेने के बाद आप अर्जित करते हो उन्हें हम कृत्रिम अभिप्रेरक कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी भूख है तो वो हमें जन्म से लगती है, आप आदत डाल के तो नहीं करते हो। अब जैसे आदत है किसी चीज की, है ना, जैसे पुरस्कार है, वो भी क्या है? अभिप्रेरक है, मोटिवेटर की तरह काम करता है, वो कृत्रिम अभिप्रेरक आता है आपके पास। आदत आपका कृत्रिम अभिप्रेरक है, प्रशंसा कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, वो सभी कृत्रिम अभिप्रेरक है, ठीक है। लेकिन जो भूख है, प्यास है, वो जन्मजात अभिप्रेरक है। तो अब्राहम मैस्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरकों के बारे में बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जनक, मूल प्रवृत्ति, अब जितनी आपके पास मूल प्रवृत्ति है उनका रिलेशन किसके साथ होता है? संवेगों के साथ होता है। जितनी आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई संवेग भी है, है ना। तो मूल प्रवृत्ति के जनक जो है वो आते हैं आपके पास मैकडोनल्ड, ठीक है। जो आपके पास मूल प्रवृत्ति के जनक है वो आते हैं मैकडोनल्ड, ठीक है, या फिर आप इसको मैकडोअल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जेम्स कहाँ के निवासी थे? विलियम जेम्स जो है
वो कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। उनका निवास स्थान कहाँ का था? अमेरिका। अमेरिका के रहने वाले थे वो, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिगमंड फ्राइड है ये कहाँ के निवासी हैं? तो सिगमंड फ्राइड जो है ऑस्ट्रिया वियना के निवासी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया में जगह पड़ती है वियना, उसके निवासी थे आपके पास सिगमंड फ्राइड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किसका कहाँ का निवासी है, ठीक है। हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अब देखिए, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है? कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है उसके लिए हमारे पास IQ वर्ड का यूज किया गया। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम इतना जानते हैं कि जो बुद्धि शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया है, तो नाम आता है आपके पास फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। जो नाम आता है वो है फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने सबसे पहले जो है वो बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन कब किया है? 1885 यानी कि 1885 में जो है वो फ्रांसिस गाल्टन का प्रयोग जो है किसने, फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। बुद्धि लब्धि नहीं कहा मैंने, मैंने कहा बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? अब बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक ने दिए, गैरेट ने दिए, अलग अलग और मनोवैज्ञानिकों ने भी दिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि थॉर्नडाइक जो है उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। नंबर 1 यांत्रिक बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि और नंबर 3 सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए हैं उसके। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। अमूर्त चिंतन के बारे में जो विभिन्न योग्यता है उसका नाम हमारे पास बुद्धि है, तो ये किसने कहा है? तो ये कथन है हमारे पास टर्मन का। ये भी बहुत जाना माना नाम है हमारे पास इंटेलिजेंस के टॉपिक में। तो हमने जो है आज की इस वीडियो में आपके जो है वो 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप यू लाइक इट। तो चैनल को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।